नमस्कार, नज़रिया में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। आज के एपिसोड में बात करेंगे कृषि और किसानों की। भारत में अभी भी आधे से ज़्यादा आबादी खेती करके अपना गुजर बसर करती है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि करीब 52% लोग ऐसे हैं जो अभी भी खेती से जुड़े हुए हैं। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 10 सालों में करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों ने खेती छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में रोज़गार की तलाश की है। तो क्या भारत में दूसरे क्षेत्रों में विकास तेज़ हो रहा है? क्या दूसरे क्षेत्रों में रोज़गार के ज़्यादा अवसर पैदा हो रहे हैं? अर्थशास्त्री मानते हैं कि जब खेती छोड़कर लोग दूसरे क्षेत्रों में रोज़गार की तलाश करते हैं तो वो विकास दर में वृद्धि के संकेत होते हैं। तो क्या वास्तव में भारत की विकास दर में वृद्धि के चलते लोग खेती छोड़ रहे हैं? आइए नज़रिया के पहले हिस्से में बात करते हैं किसानों की हालत की और क्यों किसान खेती छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने हाल ही में भारत में कृषि के भविष्य विषय पर बोलते हुए कहा कि जीडीपी की विकास दर को बढ़ाने के साथ गरीबी को कम करने के लिए कृषि में उत्पादन को बढ़ाना बेहद जरूरी है। ये एक तथ्य है कि आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब और कुपोषित लोग भारत में मौजूद हैं और इस दिशा में तय लक्ष्यों को पाने के लिए कृषि को प्राथमिकता देना अनिवार्य शर्त है। The experience of BRIC countries indicates that a 1% growth in agriculture is at least 2 or 3 times more effective in reducing poverty than the same growth emanating from non-agricultural sectors. जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार करीब 52% आबादी की जीविका अभी भी खेती से जुड़ी है। लेकिन ऐसे लोग जो जमीन के मालिक हैं और उस पर खेती करते हैं उनकी तादाद लगातार कम हुई है। जनगणना के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश की आबादी का कुल 8% हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से अभी भी खेती करके अपनी जिंदगी चलाता है। आबादी का बाकी हिस्सा खेत मजदूर है। तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? आमतौर पर अर्थशास्त्री खेती पर निर्भरता कम होने को अर्थव्यवस्था में विकास का परिणाम मानते हैं। तो पूरे दुनिया का यही दस्तूर रहा है और यही परंपरा रही है कि जब विकास होता है तो लोग कृषि को छोड़ करके गैर कृषि काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो। तो ये तो इस बात को लेकर के हमें खुशी होना चाहिए कि लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्थिति ये है कि देश के लगभग 50% लोग कृषि में से लगे हुए हैं, मगर केवल 14.5% जीडीपी का अंश कृषि से आता है। तो ये तो संभव है नहीं कि आधी जनता केवल 15-14% जीडीपी को का उत्पादन करेगा। अगर ये स्थिति चलती रही तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। दुनिया भर में यही अनुभव है कि जब लोग खेती छोड़कर दूसरे काम धंधों का रुख करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था में विकास का इंडिकेटर होता है। लेकिन क्या भारत का अनुभव भी यही कहता है? देखिए, जहाँ तक खेती करने के छोड़ने का प्रश्न है उसको हम दो निगाह से देख सकते हैं। एक तो ये है कि खेती छोड़ के दूसरे यदि व्यवसाय में जाते हैं जो कि ज़्यादा उनको आय देता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि खेती इसलिए छोड़ते हैं कि उससे कोई इनकम ही नहीं है, आय ही नहीं है और इसलिए खेती छोड़ते हैं तो एक बहुत बहुत दुखदायी चीज़ है ये। तो
हालांकि ये विकास का एक इंडिकेटर मानते हैं कि जितने लोग खेती से बाहर जाएंगे इसका मतलब विकास हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि आप यदि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस देखें जो कोई 58% थी, अब जो है लेटेस्ट फिगर्स जिस तरह से आ रहे हैं वो करीब 53% जो हैं वो खेती पर निर्भर हैं, लेकिन साथ के साथ जो जो खेती से जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद है उसका परसेंटेज 19% 2004-5 में था, वो 14% हो गया, लेकिन डिपेंडेंस जो है उतनी नहीं घटी है। विकास के क्रम में शहरीकरण बढ़ा है और किसानों की जोत कम हुई है। इस प्रक्रिया ने छोटे किसानों को मजदूरों में भी तब्दील कर दिया है। शहरीकरण की वजह से किसानों की जमीन जो है वो अब शहरों के निर्माण में जा रही है, उद्योगों के निर्माण में जा रही है। आप देखें लगातार पिछले 15 साल से जो खेती योग्य जमीन है, जो क्षेत्रफल है, उसमें निरंतर कमी आई है। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं या जो पहले किसान थे, पूर्व किसान थे, उनके पास अब ज़मीनें नहीं रह गई हैं। दूसरी बात यह है कि जोतों का आकार कम होता जा रहा है और जो छोटे सीमांत किसान थे वे मजदूरियों की श्रेणी में तब्दील होते जा रहे हैं। तो इन दोनों कारणों से आप देखेंगे कि ये दो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से आप देखेंगे कि किसानों की संख्या में कमी आती जा रही है। तीसरा कारण जो आपने कहा वो ये कि किसानी से क्योंकि भरपाई नहीं हो पा रही है, पेट अब नहीं भर सकता है, आमदनी नहीं है, इसलिए किसान या जो लोग पहले किसान थे वो शहरों में उनका पलायन ज़्यादा हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सर्विस सेक्टर का दायरा बढ़ा है, लेकिन क्या ये वजह है कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं और उन्होंने खेती छोड़कर दूसरे काम करने शुरू किए हैं? कई जानकार मानते हैं कि ये तर्क सही नहीं है। उनके अनुसार किसानों की संख्या कम हुई है और खेत मजदूरों की तादाद बढ़ी है। काफी जो कि लैंडलेस हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वो अभी भी कृषि पर ही डिपेंड करते हैं, तो एब्सोल्युटली डिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर पर है वो कम नहीं हुई है। बेसिक वो लैंडलेस होकर के डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारी क्षमता अन्य क्षेत्रों में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में या इंडस्ट्री में, कृषि या देहात के लोगों को अभी एब्जॉर्ब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने की वो उन्नति नहीं हुई है। तो दुनिया भर का अनुभव ये बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में विकास होता है और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं तो लोग खेती किसानी छोड़कर इन क्षेत्रों का रुख करते हैं, लेकिन भारत का अनुभव शायद इससे अलग है। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि ये कारण क्यों पैदा हुए और कितने चिंताजनक हैं ये सारे कारण। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम बात कर रहे हैं खेती किसानी की। नवी और दसवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कृषि विकास दर करीब करीब 2.5% रही, उत्पादन दर भी लगभग इसी के आसपास दर्ज की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये विकास दर बढ़कर करीब करीब 3.5% हुई है। जाहिर है कि कृषि में निवेश हुआ है, कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन जितना ध्यान देने की ज़रूरत है क्या उतना ध्यान सरकार का और नीति निर्माताओं का कृषि की तरफ गया है? 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में 4% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वृद्धि दर की रफ्तार कुल मिलाकर 2.5% ही रही। कृषि क्षेत्र की विकास दर को लेकर योजनाएं बनाने वालों में निराशा का भाव नजर आया, लेकिन 11वीं योजना में हालात बेहतर नजर आते हैं। अगर आप देखें तो जो सब अपेक्षाकृत अधिक ध्यान जो 11वीं योजना में कृषि पर दिया गया, सार्वजनिक विनियोग बढ़ा, नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान जैसी योजनाएं आईं, उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और कृषि की विकास की दर बढ़ी है।
लेकिन फिर भी जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है कि जो स्लैक है, अर्थात जो कृषि जिस दर पर बढ़ सकती है या कृषि की उत्पादकता जिस स्तर तक हो सकती है उससे कहीं कम आज भी कृषि की उत्पादकता है, ये फसलों के लिए भी सही है और जो गैर फसली क्षेत्र है जो धीरे धीरे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है उसके लिए भी सही है। और भारत में उसके कई कारण हैं, नीतिगत कारण ज़्यादा हैं, लेकिन विशेष रूप से एक पूरा दशक था, मैं ये कहूँगा 1992 से लेके 2002-03 तक, जब कृषि की आवश्यकताओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, एक्सटेंशन से सरकार ने हाथ खींच लिया, वितरण से हाथ खींच लिया, शोध से हाथ खींच लिया। आज की स्थिति उस दशक से संभवतः थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन आज भी किसी कृषि एक तरीके से जिसको नेग्लेक्ट कहेंगे उसी स्थिति में आज भी कृषि भारत में है। खेती करने के तरीके बदले हैं, मशीनों का उपयोग बढ़ा है, लेकिन अभी भी मैकेनाइजेशन उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां पहुंचना था। भारत की खेती वृद्धि दर और उत्पादन दोनों में ही पिछड़ रही है। जानकारों की नजर में गरीबी से लड़ने और फूड सिक्योरिटी के लिहाज से ये लक्षण ठीक नहीं है। पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता की बात ये होनी चाहिए और है भी कि कृषि में जो विकास दर है वो कोई और देशों के मुकाबले हमारी बहुत बेहतरीन नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बेहतर होने के बावजूद वो कृषि विकास दर, उत्पादन दर कृषि का केवल सालाना 3.2% था, जबकि साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वहाँ इससे कहीं ज़्यादा विकास दर रही है। तो अगर जब इतनी जनसंख्या का इतना भाग कृषि पर आधारित है तो बहुत ज़रूरी है कि विकास दर भी ज़्यादा होनी चाहिए जिसमें और तेज़ी से लोग छोड़ें। कृषि विकास दर की धीमी रफ्तार के कारण नीतिगत भी बताए जाते हैं। हालांकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाएं शुरू की, मसलन राज्यों को अपनी जरूरत के हिसाब से योजना बनाकर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया और राज्यों के निवेश के बराबर केंद्र ने भी राज्यों को मदद की, लेकिन इसके बावजूद कृषि विकास दर अटकी हुई है। जब से मनरेगा शुरू हुआ है उसमें ज्यादातर जो कृषि में जो श्रमिक आते थे वो उनका आना बंद हो गया है, या आते हैं तो बहुत ज़्यादा वो मजदूरी मांगते हैं, तो उससे क्या है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा है, लागत बढ़ गई किसान की, और इसलिए निवेश जो है मैकेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। यदि मैकेनाइजेशन हम नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी में यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। जाहिर है कृषि विकास दर की धीमी रफ्तार ने विषमता को बढ़ाया होगा, किसान की जिंदगी की रफ्तार भी इसी रफ्तार से बंधी है। देखिए हुआ क्या है अभी कि हमारी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में तो 2.5 से अभी पिछले कुछ महीनों में कह सकते हैं कि 3.5-3.6 तक पहुंची है, और 11th प्लान के आखिर के साल में थोड़ी अच्छी ग्रोथ रेट हो गई है, नो डाउट अबाउट। लेकिन मैंने आपको बताया विषमता, एब्सोल्यूट आमदनी जो किसान की है वो कंपैरेटिवली घटती गई है और दूसरे क्षेत्रों में बढ़ती गई है, तो विषमता देश में बढ़ गई है। वर्ष 1991-92 का समय वो था जब देश में नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत हुई। ज़्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत के साथ ही कृषि और किसान दोनों की उपेक्षा भी शुरू हुई। 1992 से 2002 का वो दौर था जब कृषि में निवेश सबसे ज़्यादा घटा, लेकिन अब एग्रीकल्चरल जीडीपी का करीब करीब 18% कृषि में निवेश किया जा रहा है और हालात सुधर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि कृषि में और निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। दिसंबर 2012 में इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर, जो योजना आयोग की एक स्वायत्त संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 1.5 करोड़ लोग खेती छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में काम करने लगे हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो लोग खेती के क्षेत्र में ही बने रहे
वो किसान से खेतीहर मजदूर की श्रेणी में आ गए। देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत के बाद किसानों की दुर्दशा बढ़ी है। 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पश्चात एक दौर आया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये हिदायत दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये हिदायत दी कि आपने जो ग्रामीण इलाकों में खूब बैंक ब्रांचेस खोली हैं उनकी संख्या कम करिए। तो उन्होंने संख्या अगले 10 सालों में कम कर डाली। जब वो संख्या कम हो गई तो जो किसान है उसको जो एक्सेस थी उसका एक्सेस बैंक क्रेडिट के में कम हो गया। वो दौर ख़त्म होते होते अब मतलब एक दशक और लगा और पिछले 4-5 साल में सरकार ने ये नीति बदली है और ख़ास तौर से कोशिश अब ये है कि ग्रामीण इलाकों में बैंक ब्रांचेज और खुल जाएं। 1992 और 1996 के बीच में समृद्धि की दर कुछ सकारात्मक थी, कुछ धनात्मक थी, हालांकि फूड ग्रेन आउटपुट की दर जो थी उसकी आधी थी। 96-97 और 2002-03 के बीच में गहरा संकट था कृषि में, और ये वो समय है जबकि सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे, और ये संकट जो विश्व में जो मंदी थी कृषि के मूल्यों में उसकी वजह से भी बहुत तेज़ी से गहराई थी। 2002-03 के बाद से थोड़ा सा पॉजिटिव अपटर्न हुआ और जैसा मैंने कहा 11वीं योजना में थोड़ा सा अंतर आया है। कृषि क्षेत्र में निवेश का शोध पर भी असर पड़ा है। न सिर्फ कृषि विज्ञान से जुड़ा शोध प्रभावित हुआ है, इस क्षेत्र में समाजशास्त्र और आर्थिक दृष्टि से होने वाला शोध भी प्रभावित हुआ है। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो खर्चा एग्रीकल्चरल जीडीपी का है हमारे देश में केवल 0.4-0.5% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी है। कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या में और कृषि के कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश का, उसमें एग्रीकल्चर रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट आपको सुनकर बड़ी हैरियत होगी, परेशानी होगी कि 0.08-0.1% ऑफ द एग्रीकल्चरल जीडीपी है। आप इमेजिन करिए, देश का 0.5, पूरे विश्व का 1%, डेवलप्ड कंट्रीज में 2% से ज़्यादा, और हमारे देश का 0.5% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी गोज़ टू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो कि बहुत कम है। पर्याप्त काम नहीं हो रहा, बहुत इंसेंटिव जो कृषि जो विश्वविद्यालय हैं, कृषि लेबोरेटरीज हैं, उनमें वैज्ञानिकों को हमें पर्याप्त इंसेंटिव देना चाहिए कि वे नए बीजों का विकास करें और उनका पेटेंट अगर हो सके तो करें। लेकिन साथ साथ जो देशी कंपनियां हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि अल्टीमेटली जो अंततः जो देशी कंपनियां हैं, सरकारी हों गैर सरकारी हों, वही फिर इस बीज को किसानों तक ले जाएंगे। तो ये पूरा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है जिस पर जो थोड़ी बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो एक्चुअली क्योंकि काबिज हो गई हैं, पूरी सीड की जो पूरा जो बीजों का जो तंत्र है उस पर काबिज़ हो गई हैं, इसलिए कोई इंसेंटिव भी नहीं रहा है। तो इस पूरी प्रणाली पर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत है, अन्यथा ये शोध को इससे अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वैज्ञानिक शोध ही पीछे नहीं पड़ा है, इस पूरे क्षेत्र में जो समाजशास्त्री जो शोध है वो भी अलग अलग विषयों पर इस समय बहुत, पहले अगर आप 50-60-70 के दशक को देखें तो कृषि पर बहुत शोध होता था, समाज वैज्ञानिक करते थे, सोशियोलॉजिस्ट करते थे, अर्थशास्त्री करते थे। अगर अब देखें कि कितना काम हो रहा है कृषि पर अलग अलग दृष्टांत से, बहुत कम हो रहा है। ये देखते हुए कि 58% जो वर्कफोर्स है वो आज भी कृषि में है, कृषि पर जितना पर्याप्त ध्यान देना चाहिए शोधकर्ताओं को, भले वो वैज्ञानिक हों या वैज्ञानिक ना हो, वो इतना नहीं दिया जा रहा है। किसानों को बिजली और खाद पर मिलने वाली सब्सिडी भी लगातार सवालों के घेरे में रही है। रिफॉर्म्स के पक्षधर सब्सिडी को समाप्त या फिर कम करने के पक्ष में माहौल बनाते रहे हैं। ये भी एक तर्क दिया जाता है कि सब्सिडी का फायदा बड़े किसान उड़ा लेते हैं और मंझोले और छोटे किसानों को शायद ही इससे कोई मदद मिलती है। फर्टिलाइजर सब्सिडी की वजह से फर्टिलाइजर का, उर्वरक का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है और फर्टिलाइजर हर छोटा मोटा किसान तो इस्तेमाल भी नहीं कर पाता, मतलब अनाप शनाप
सारे किसानों को फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जाती है, चाहे वो बड़ा किसान हो जिसको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं हो, चाहे वो छोटा हो, छोटे के पास वैसे ही नहीं है ज़्यादा पैसा, तो फ़ायदा उठा ले जाता है बड़ा किसान। अब वो अत्यधिक इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से जो उत्पादकता है, कृषि की उत्पादकता कम हो रही है। हमारे ही देश में ऐसे ये संभव है कि मतलब उत्पादकता कुछ प्रदेशों में और कुछ ज़िलों में ज़्यादा हो जबकि बाकी प्रदेशों में बाकी ज़िलों में काफ़ी कम हो। अब ये स्थिति तो मतलब बड़ी गंभीर स्थिति बना है। हालांकि इस तर्क से असहमति रखने वाले अर्थशास्त्रियों और दूसरे जानकारों की भी कमी नहीं है। जो फर्टिलाइज़र पॉलिसी है उसका फ़ायदा करीब करीब सबको मिलता है, और ये इस तरह की आलोचनाएं मुझे पता नहीं क्यों होती है। हालांकि एक केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से सॉयल हेल्थ अफेक्ट होती है, लेकिन एक बार 92-93 में इस तरह की पॉलिसी को बदल दिया था और इसमें खाद का उपयोग कम हो गया था और उससे प्रोडक्शन भी कम हो गया था, तो सरकार को अपना निर्णय फिर बदलना पड़ा था। क्योंकि ये तो ये किसान को फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। आप पानी दे रहे हैं, आप बिजली दे रहे हैं मान लीजिए सस्ती, आप खाद सस्ता दे रहे हैं, इसका मतलब ये असेंशियल इनपुट्स हैं उसको पैदा करने के लिए। यदि हम इस पर अटैक करेंगे तो हमारी खाद्य सुरक्षा पर हम निश्चित रूप से अटैक करेंगे। उर्वरकों पर जो सब्सिडी है वो वस्तुतः वो दिया जा फैक्ट्रियों को दी जाती है, जो उत्पादन तंत्र है उसको दी जाती है, सीधे तौर पर किसानों को नहीं मिलती है। और जो वितरण प्रणाली थी पहले, वो पहले सार्वजनिक थी या सहकारी थी, तो इसलिए मूल्यों पर नियंत्रण था, उर्वरकों को फ़ायदा किसानों को मिलता था। अब वितरण प्रणाली से सरकार और सहकारी क्षेत्र करीब करीब पीछे हट गया है और अब बाज़ार के जरिए उर्वरक प्राप्त करता है किसान। तो जहाँ एक ओर उद्योगों का भला हो रहा है, वहाँ किसान को आप देखें निरंतर इस बीच उर्वरकों के दाम बढ़ते चले गए हैं और किसानों को जो आगत मिल रही है वो बहुत महंगे दामों पर मिल रही है, किसानों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फ़ायदा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार ने अपना वितरण से मुख्य रूप से हाथ खींच लिया। जब कृषि क्षेत्र में निवेश और नीतियों का सवाल आता है तो आमतौर पर जोर खेती और उत्पादन पर रहता है, लेकिन अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि कृषि और किसानों में फर्क है। अभी तक नीतियों के केंद्र में कृषि उत्पादन रहा है, किसान नहीं। पहली बार किसान के ऊपर एक कमीशन बना था, NCF, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं 6 वॉल्यूम्स में 2500 पेज में सरकार के समक्ष हैं, उसकी अगर रिकमेंडेशंस हम 20% भी अडॉप्ट कर लिए होते, जो कि सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है और वो एक आपकी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है, उसमें से रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर हुआ है। तो मैं कहूँगा कि आप पॉलिसी बना दें, अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना दें, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक क्या फ़ायदा। इसलिए काफ़ी गैप्स है इम्प्लीमेंटेशन में और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में। और NCF, मैंने पहली बार बताया आपको कि विश्व में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर पर तो पॉलिसीज बहुत बनती हैं, यहाँ भी बनती हैं, बनती रहेंगी, लेकिन नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स इस देश ने बनाई थी और उसको हमने लागू नहीं किया और वो लागू होनी चाहिए थी। मैं अभी भी अर्ज़ करूँगा आपके ज़रिए कि ये बात जो भी इसको सुन सकें और लागू करवा सकें तो हमारे किसानों का बहुत बड़ा उत्थान होगा। किसानों को दुर्दशा से निकालने के लिए राज्यसभा में भी हाल ही में चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद सरकार की तरफ से पूरे मसले से निपटने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया। फसलों में विविधता भी एक चर्चा का विषय रहा है। माना जाता है कि हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों ने धान और गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए न सिर्फ खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया बल्कि पानी का भी बेजा इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित हुई है। पूरा दक्षिणी भारत इस समय आंध्र के एक हिस्से को छोड़ के इस समय फूड ग्रेन डेफिसिट क्षेत्र है, सीरियल डेफिसिट क्षेत्र है, और उत्तर से या पूरब से जो जो अनाज है
वही उनके फूड कंजम्पशन बास्केट में जाता है पीडीएस के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। तो निश्चित रूप से अगर जो सीरियल या फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो देश के स्तर पर पर्याप्त नहीं होता है तो फिर हमें जो विश्व बाज़ार है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, उसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से आता है और उससे एक गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। तो एक तो ये है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, सीरियल प्रोडक्शन है, इसको क्रमशः उस क्षेत्र की ओर ले जाना चाहिए जो कि उसको पैदा करने में ज़्यादा सक्षम है, कम दाम पर पैदा कर सकता है। कृषि नीति से जुड़े हुए कई अहम मसलों पर और चर्चा हो सकती थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है और कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जब कृषि नीति तैयार की जाए तो उसके केंद्र में सिर्फ उत्पादन ना हो बल्कि किसानों की भी चिंता की जाए। नज़रिया के इस एपिसोड में इतना ही। एक और एपिसोड के साथ अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।